अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। कंप्यूटर के मतलब का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। यूनिट नंबर वन में हम नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वेज टू फॉर्म व्हाट इज़ नाउन एज नेटवर्क्स। यानी कि जब किसी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ये वन ये टू, जब दो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं नेटवर्किंग। वन टू, जब दो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वेज टू फ्रॉम व्हाट इज नाउन एज नेटवर्क। दिस रेंज फॉर्म अ बेसिक स्कूल और ना होम नेटवर्क ऑफ ओनली अ फ्यू कंप्यूटर टू लार्ज नेटवर्क सच एज इंटरनेट। ये एक इंटरनेट है का नेटवर्क है जो आपके होम स्कूल्स ऑफिसेस के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, ये था कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन। कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके बाद व्हाट इज़ अ नेटवर्क है कि नेटवर्क क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटर कनेक्शंस ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन सम सेम रूम बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा इंटरनेट नेटवर्किंग है जो कि दो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है वन प्लेस के साथ। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर है जिसके साथ यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है और यहाँ पर तीसरा कंप्यूटर कनेक्ट है। यानी कि किसी एक प्लेस से किसी दूसरी जगह पर जब किसी चीज़ को इंटर कनेक्शन किया जाता है उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि नेटवर्किंग नाम ही उस चीज़ का है जिसमें हम अपने एक कंप्यूटर से किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन ऑफिस कंपनी और एन इन अ कंप्यूटर लैब कनेक्टेड मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर एडवाइस सच हैज़ प्रिंटर विद ईच अदर यूजिंग केबल्स। ओके, हो गया। ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड व्हाट इज़ अ नेटवर्क। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके साथ किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ डाटा शेयरिंग, फाइल्स शेयरिंग्स एंड प्रोग्राम शेयर किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंटर कनेक्शन। ये है हमारा नेटवर्क। इसके बाद यहाँ पर हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सेंडिंग एडवाइस, रिसीविंग एडवाइस, कम्युनिकेशंस एडवाइस, ट्रांसमिशंस मीडियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, ये है हमारा सेंडिंग कंप्यूटर। सेंडिंग कंप्यूटर ने मॉडर्न कम्युनिकेशन एडवाइस को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रिसीविंग कंप्यूटर जिसे हम रिसीवर कहते हैं, सेंडिंग करने वाले को, सेंडिंग कंप्यूटर को सेंडिंग सेंडर कहते हैं और रिसीविंग कंप्यूटर को रिसीवर कहते हैं। ये थे हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनको आप अभी याद कर लें, मैं आपको याद करवाता हूँ, अभी मेरे साथ ही इनको याद कर लें। सेंडिंग एडवाइस, रिसीविंग एडवाइस,
कम्युनिकेशन एडवाइस ट्रांसमिशन मीडियम, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में से आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये था हमारा पहला लेक्चर, यहाँ तक ही हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर वन की आगे बात करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स, व्हाट इज़ अ नेटवर्क, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर हम अपने पहले लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सेंडिंग एडवाइस, रिसीविंग एडवाइस और इसके बाद कम्युनिकेशन एडवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम, इनकी डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।